The Invisible Man Chapter 23 in the summary। ग्रिफिन बाहर आकर बहुत परेशान हो गया था। उसके पास न तो खाने के लिए कुछ था और न ही कुछ ओढ़ने को, और ऊपर से बारिश और बर्फ उसका राज खोल रही थी। अंत में उसने फैसला किया कि वो अब से पूरे कपड़े पहनेगा और चेहरे पर मुखौटा लगाएगा, और वो थ्रेटिकल कॉस्ट्यूमर्स की दुकान खोजने लगा। वह दुकान में घुस गया जिसका मालिक एक छोटा कुबड़ वाला आदमी था। वह जाते ही सबसे पहले आग के पास बैठ गया और उसमें कोयले डालने लगा, पर उस आवाज़ से मालिक भागता हुआ वहाँ आ गया, पर कोई वहाँ न होने की वजह से वह चला गया। बाद में ग्रिफिन ने कपड़े उठाने के चक्कर में मचान पर रखे कुछ सामानों को भी गिरा दिया और मालिक फिर से आ गया और हल्का सा वह ग्रिफिन से टच भी हो गया। भ्रम में उसने सोचा कि चूहा होगा, जाने दो, और वह चला गया और ग्रिफिन खाना खोजने लगा और भंडार घर में जाकर खाना खा भी आया और मुखौटा, चश्मा और अन्य सामान लेकर मेकअप कर लिया। वहाँ उसे कुछ पैसे भी मिल गए, पर वह जिस भी होटल में जाता था लोग उससे उसके चेहरे के बारे में पूछने लगते। वह अब अदृश्य होने की वजह से झुंझला गया था और फिर से दिखना चाहता था। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड